अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी न्यूट्रिशन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब से जो हम लोगों ने पढ़ना है वो होगा डाइजेशन, और जो टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे वो है डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स, उनके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बेसिकली डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स की हम लोगों ने बात करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। तो जो डाइजेस्टिव डाइजेशन है वर्टिब्रेट में, हम लोग यहाँ पर फिलहाल जनरली लेके चलेंगे, जिसमें बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल, ठीक है जी, इन सब के बारे में बात करेंगे। डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर इन सब में कौन कौन सा है, कौन सा सिमिलर है, किस किस में मॉडिफिकेशन है, किस लिहाज से मॉडिफिकेशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी डाइजेस्टिव डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाई है वो ह्यूमन के लिहाज से बनाई है। ठीक है, लेकिन आगे हम लोग डिफरेंट कैटेगरी जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं उनको भी लेके चलेंगे। ठीक है, हम लोग मैमल्स के लिए ऐसे पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स के लिए ऐसे पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स जहाँ पे एनिमेशन या पिक्चर्स की ज़रूरत होगी वो भी साथ साथ हम लोग शो करेंगे ताकि आपको आसानी हो सके। तो डाइजेशन इन वर्टिब्रेट तो बात करते हैं, जो वर्टिब्रेट होता है इनके अंदर डाइजेशन का जो सिस्टम है वो कंप्लीट है। ठीक है जी, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। इन वर्टिब्रेट जो होते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, उनके अंदर खुराक के आने और जाने के लिए एक ही रास्ता होता है, यानी कि इंजेशन और ईजेशन के लिए एक ही पाथवे है जिससे वो खुराक लेते हैं और उसी पाथवे से खुराक वापस रिमूव भी कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, इन वर्टिब्रेट के अंदर डाइजेशन इनकम्प्लीट रहती है, जबकि वर्टिब्रेट के अंदर क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके अंदर डाइजेशन कंप्लीट होती है और एफिशिएंटली होती है। ठीक है, इनकी डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रही होती है, क्योंकि हर डाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक चेंबर्स मौजूद हैं, स्पेसिफिक सक्रीशन हर चेंबर में आएगी, जिसकी वजह से एफिशिएंटली या मैक्सिमम लेवल पर डाइजेशन होती है, मैक्सिमम लेवल पर एब्जॉर्प्शन होती है। किस तरह जी, अब ह्यूमन के लिए ऐसे अगर हम बात करें तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जा ख़त्म होता है जी, एनस पे। ठीक है, यहाँ पे माउथ नहीं मैं बना सका उसके लिए माजरा था, लेकिन डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ। माउथ के बाद बक्कल कैविटी आती है, बक्कल कैविटी से फिर खुराक हम लोग निगल लेते हैं। ठीक है जी, गले हलक से नीचे उतारते हैं तो ये एक नाली जिसे एसोफेगस कहते हैं उसके जरिए जाती है स्टमक में। स्टमक में यहाँ आने के बाद क्या होती है जी, प्रोटीन डाइजेशन होती है। ठीक है, स्टमक में क्या होती है, प्रोटीन डाइजेशन हो रही होती है। ठीक है, जो हमारे खुराक के अंदर प्रोटीन का पार्ट होगा स्टमक के अंदर, उसकी डाइजेशन होती है, गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे सेक्रेट किए जाते हैं उनके ज़रिए। फिर स्टमक से ये जो डाइजेस्ट फूड होगी जो पार्शली डाइजेस्ट है, लिक्विड की या सूप की फॉर्म में होती है, जिसे हम वो काइम कहते हैं, वहाँ से वो, ठीक है जी, गुजर कर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से हम लोग करते होते हैं, ड्यूडिनम, जूजिनम और इलियम। ठीक है जी, जैसे जैसे हम लोग आगे इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब वहाँ पे मजीद वाजे किया जाएगा। तो पैंक्रिया और लिवर, ठीक है, इन दोनों से सेक्रीशन आती है और डाइजेशन होती है यहाँ पे कंप्लीट इंटेस्टाइन में। फिर वहाँ पे अब्जॉर्प्शन होती है, फिर जो बाकी बचा कुचा चीज़ें और पानी है वो चले जाती हैं जी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम दो तीन हिस्से में बदलते हैं। सीकम होती है, असेंडिंग ट्रांसफ़र, डिसेंडिंग कॉलोन है, रेक्टम है और एनस है। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग बात करें तो हमारा जो वर्टिब्रेट है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। क्यों जी, उसके अंदर ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें मुश्तमल है। इसके अलावा डाइजेशन को मज़ीद बेहतर करने के लिए और डाइजेशन के लिए जो जो एंजाइम्स की ज़रूरत है, हमें जो जो सेक्रीशन की ज़रूरत है उसके लिए ग्लैंड्स भी मौजूद हैं इस ट्यूबुलर पाथवे के अंदर। सबसे पहले बक्कल कैविटी में मौजूद होते हैं, ठीक है, सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी पैराइटल ग्लैंड, देन उसके बाद लिवर मौजूद है। ठीक है, लिवर के यहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। फिर यहाँ पे पैंक्रिया है, तो ये वो ग्लैंड हैं जो सेक्रीशन प्रोवाइड करेंगे डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है जी, एक ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है, ये स्ट्रक्चर्स ग्लैंड्स एक ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होते हैं। अच्छा जी, जैसे हमने खुराक के अभी डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते वक्त हमने पाथवे पढ़ लिया है, तो उसी की तरफ आते हैं कि पाथवे क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन का प्रोसेस होता है, हम लोग खुराक खाते हैं तो खुराक किस में जाएगी जी, सबसे पहले माउथ में, मुँह में।
फिर वो हमारी मुंह के अंदर जो खाली जगह है, कैविटी है, उसके अंदर जाएगी, वहाँ पे दांत के जरिए इसे चबाया जाएगा, च्युइंगिंग की जाती है, इसकी ग्राइंडिंग होती है, और साथ जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है वो सेक्रीशन ऐड कर रहे होंगे ताकि इसकी मस्टिकेशन, च्युइंगिंग, ठीक है, इस लुब्रिकेशन, ये सारा कुछ हो जाए। फिर वहाँ से इस खुराक को, ठीक है, उस निवाले को, उस टुकड़े को जो हमने मुँह में डाला था, एक नाली के जरिए भेजा जाता है जिसे कहते हैं एसोफेगस। ठीक है जी, इसकी लेंथ वेरिएट करती है, ठीक है जी, बर्ड्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स के लिए ऐसे जो हमने पढ़नी है बाद में। अच्छा जी, उसके बाद ये खुराक चली जाती है स्टमक में, ठीक है जी, स्टमक से ये चली जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन तक इस खुराक के अंदर जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है जी, वाटर अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ये सारा कुछ। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसे रेक्टम कहते हैं। रेक्टम में सिर्फ वो चीज़ आएगी जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह, उसे अब्जॉर्ब नहीं करना, अनडाइजेस्टेड पार्ट है जिसे हम लोग फीसिस कहते हैं। इसे यहाँ पे स्टोर किया जाएगा और अब रिक्वायर्ड टाइम पे इसे एक आप कह सकते हैं कि ओपनिंग के जरिए बाहर रिलीज कर दिया जाएगा जिसे हम लोग एनस कहते हैं। तो ये है जी वो पूरा एक रास्ता जो एक खुराक का टुकड़ा, एक निवाला, ठीक है जी, जो इंसान खाता है, जिन रस्तों से गुजरता है उसे पाथवे ऑफ डाइजेशन या पाथवे ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक का नाम दिया जाता है। तो ये एफएससी में भी आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ एफएससी में इसी के लिए हासिल है, लेकिन क्योंकि आज बीएससी का लेक्चर है तो हमने जो बीएससी के लिए हासिल लिखना है बताना है वो भी लिखा हुआ है कि जिसमें बीएससी के टॉपिक शामिल है, और जो एफएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए इस लेक्चर में क्या क्या होगा वो भी लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ तक डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर और पाथवे कवर होते हैं। अच्छा, हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर आते हैं फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल और बर्ड्स। तो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आज हमने लेके निकलना है वो माउथ है, और उसके तीन स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, लेकिन हम लोग दो पढ़ेंगे, तीसरा स्ट्रक्चर डाइजेशन के जब प्रोसेस पढ़ना शुरू होंगे तब पढ़ाया जाएगा। तो जो माउथ की बात करते हैं तो माउथ में होती है बक्कल कैविटी, खाली जगह जिसे हम लोग जानते हैं, इसको कवर किया होता है टीथ और टंग ने, टंग नीचे, ठीक है जी, जुबान को कहते हैं, और पैलेटाइन जो इसका होगा सीलिंग, टंग फ्लोर कहलाता है। तो जो टंग होती है इसे हम पढ़ेंगे डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस में कि डिफरेंट जानदार में किस तरह है। तो सबसे पहले आते हैं जी फिशेज में। जो फिशेज हैं इनकी टंग जो होती है वो मस्कुलर होती है, ठीक है, लेकिन ये बाहर जुबान नहीं निकाल सकते जिस तरह बाकी जानवर अपनी जुबान बाहर निकालते हैं, फिशेज अपनी जुबान बाहर नहीं निकाल सकती। हाँ, कुछ फिशेज हैं जिनमें मॉडिफिकेशन है कि वो अपनी जुबान को बाहर निकालती हैं। फॉर एग्जांपल जिसे हम लोग फ्लूइड फीडर, जिस तरह पिछले टॉपिक था जिस पे हमारी न्यूट्रिशन कवर हुई है, उसमें हमने लैम्प्रे पढ़ी थी। तो लैम्प्रे की जो जुबान होती है वो एक तो मस्कुलर नहीं होती, नॉन मस्कुलर टंग होती है, दूसरी वो रैस्पिंग होती है, ठीक है। लैम्प्रे जो है ये अपनी जुबान इसकी जो है बाहर निकाली जा सकती है, बाहर निकालती है ताकि उस जगह को रेस्प करे, छील दे, ये आसान लफ्ज हम यूज़ कर सकते हैं, और ये नॉन मस्कुलर होती है, ठीक है, जितने भी होती हैं। अच्छा, अब आते हैं जी दूसरा हम लोग एम्फीबियन की कैटेगरी। बर्ड्स के बाद दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो एम्फीबियन है। तो एम्फीबियन में तीन चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, फ्रॉग, टॉड, सैलामेंडर, ठीक है। इन तीनों की जुबान के अंदर जो चेंजेस हैं वो एक जैसी हैं, क्या जी, इन तीनों की, फ्रॉग, टॉड, सैलामेंडर की जुबान काफ़ी लंबी होती है, स्टिकी, चिपचिपी होती है, क्योंकि इन्होंने जितने भी जानवरों को जुबान के पकड़ने के बाद ही मुंह में लेके जाना होता तो वो स्टिकी होनी चाहिए चिपकने के लिए। लॉन्ग स्टिकी होती है और मस्कुलर होती है, ठीक है। फ्रॉग, टॉड, सैलामेंडर जिन्हें हम एम्फीबियन कहते हैं, इनकी जुबान लंबी होती है, अपनी जिस्म से काफ़ी दूर तक जुबान को निकाल सकते हैं। नंबर टू, ये स्टिकी होती है ताकि किसी भी जानदार इंसेक्ट वगैरह के साथ या छोटे जानवरों के साथ टकराए तो वो साथ उनके चिपक जाए। और मस्कुलर होती है यानी कि ये मसल से मिलकर बनी होती है। और अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो ये रैपिड इन एक्शन है, ठीक है, रैपिड इन वर्क है, ये बड़ी तेज़ी के साथ निकालते हैं जानवरों को, पकड़ते हैं, रोल आउट करके वापस अपने मुंह में ले जाते हैं, मिनटों में काम हो रहा होता है, ठीक है, विद इन सेकेंड। जो एम्फीबियन है इनकी जो फंक्शन टांग है वो सबसे ज़्यादा तेज़ काम करने वाली है बाकी जितने भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें। अच्छा, देन उसके बाद बर्ड्स की बात करते हैं तो नॉर्मली जैसे हमने फिशेस की बात की वही कंडीशन बर्ड्स पे भी एप्लीकेबल है कि इनकी टंग भी बाहर नहीं आती, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक बर्ड के लिए ऐसे पढ़ने वाले, ठीक है, एक्सेप्शन हम लोग समझ लें कि आपके कोर्सेज में जो है वो क्या जी, वुडपैकर, ठीक है, वुडपैकर एक परिंदा है,
इसकी जो टंग होती है बाहर आ सकती है, क्यों? क्योंकि इसकी हॉलो लॉन्ग टंग होती है, क्योंकि इसने ग्रैब करना होता है या इंसेक्ट को पकड़ना होता है, तो इसलिए वुड पैकर की टंग जो है वो होलो है और ये लॉन्ग है, बाहर आ सकती है। अब मैमल्स की बात करते हैं तो जितने भी मैमल्स हैं इन सब की टंग ये जुबान बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। हैबिट भी हो सकती है, नॉन हैबिट के तौर पे भी जितने भी मैमल्स कैटेगरी में आने वाले जानवर हैं सारे ही अपनी टंग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक जानदार की बात करेंगे जो ज़रूरत से ज़्यादा जिसकी जुबान बाहर निकल सकती है, वो है स्पाइनी एंट ईटर, ठीक है जी। एंट ईटर और आर्मा ड्रिलो ये दो जानवर हैं जो इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं और उनकी बिल, इंसेक्ट के जो बिल होती है उसके अंदर ही अपनी ज़ुबान डालते हैं, और क्योंकि इनकी ज़ुबान काफ़ी लंबी स्टिकी होती है एम्फीबियन की तरह, तो जब ये ज़ुबान उनके जो बिल है उसमें से फेर के बाहर निकालते हैं तो इनकी स्टिकी होने की वजह से जितने भी कीड़ी मकोड़े या शरारत हैं वो इसकी टंग के साथ चिपक जाती है और ये वापस मुंह में ले जाता है। तो और ये जो होता है ये नॉर्मली नहीं पाया जाता, आई थिंक अमेरिकन कंट्रीज़ में ये या USA की तरफ है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, वहाँ पर यह पाया जाता है। तो जो स्पाइनी एंट ईटर होता है इसकी टंग काफ़ी लॉन्ग होती है मैमल्स में और ये स्टिकी नेचर है क्योंकि कीड़े मकोड़े इसने पकड़ने। अच्छा, अब एक बात जो हम मैमल्स के लिए ऐसे पढ़ने वाले हैं और स्पेसिफाई कर देते हैं ह्यूमन के लिए, वो है जी टेस्ट बड, ठीक है। यहां पे मैं शो नहीं कर सकता, आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, जो हमारी टंग है इसके ऊपर टेस्ट बड होते हैं जिससे हमें टेस्ट मिलता है, पता चलता है ये खुराक फ्रेश है, ये बासी है, इसे खाना है इसे नहीं खाना, एक बात। नंबर टू, दूसरा हमें जो टेस्ट बड है इसे पता चल जाता है इंटेंसिटी का फ्लेवर की, ये मीठा है तो कितना मीठा है। नॉर्मली चार तरह के टेस्ट बड होते हैं, ठीक है, मीठे के लिए, खट्टे के लिए, तुर्चपन के लिए और नमकीन के लिए, और ये चार मेजर फ्लेवर टेस्ट हैं। लेकिन हमारी जो टेस्ट ज़ुबान है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा किस्म के टेस्ट और कंट्रास्ट बेस्ड टेस्ट में फ़र्क करने के लिए अडेप्टेड है, लेकिन इन चार मेजर टेस्ट बर्ड के एक्टिव कौन से दो पहले एक्टिव हैं, कौन से तीन एक्टिव होंगे, कौन चारों एक्टिव होंगे या सिर्फ एक एक्टिव होगा, उस टेस्ट बर्ड की एक्टिवेशन के लिए ऐसे हमें नमकीन, खट्टा, तुर्च, मीठा, स्पाइसी, ठीक है जी, खट्टा और मीठे के दरमियानी सा, ये सारे टेस्ट हमें फील होते हैं और ये हमारी ज़ुबान के ऊपर होते हैं। कहाँ पे जी? हमारी ज़ुबान जिस तरह उंगलियों के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट नज़र आते हैं, दो लाइनों के दरमियान गड़ा, फिर आगे एक लाइन के दरमियान गड़ा, फिर गड़ा लाइन इस तरह होते हैं, इस तरह हमारी ज़ुबान पर भी पपीला मौजूद होते हैं, ठीक है जी। उन पपीला के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें टेस्ट हो रहा होता है। और दूसरे नंबर पर जो स्ट्रक्चर हमने आज पढ़ना है वो है टीथ। जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं इन सब के टीथ होते हैं, ठीक है, सिर्फ तीन को छोड़ के। नंबर वन बर्ड्स, उनमें नहीं होते। नंबर टू टर्टल, ठीक है, इनमें टीथ नहीं होते। और बैलीन वेल इनमें टीथ नहीं होते। बाकी जितने भी वर्टिब्रेट हैं इन तीनों को छोड़ के उन सब में टीथ होते हैं। अब बात करते हैं जी, सबसे पहले बर्ड्स, इनमें टीथ नहीं होते क्योंकि टीथ जो होते हैं ये कैल्शियम वगैरह अब्जॉर्ब, कैल्शियम इनमें होता है जिसकी वजह से ये हैवी होते हैं। तो बर्ड्स ने अपनी जो मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल में की वो ऐसी है कि इनके अंदर हर वो स्ट्रक्चर ख़त्म किया गया है, रिड्यूस किया गया है जो हैवी हो जिससे इनका बॉडी वेट बढ़े और ये उड़ ना सकें। तो फ्लाई करने के लिए इनके अंदर ये एक पॉसिबिलिटी है कि इनकी डेंटेशन रिड्यूस होगी, उसकी जगह बीक अडेप्टेड हो गई। दूसरी बात टर्टल्स की, नॉर्मली ये कह सकते हैं कि आप समुद्री चीज समुंदर या में रहता है और समुंदर में रहता है ओशन में और वहाँ पे घास वगैरह पे फीड करता है, ठीक है जी, छोटे छोटे इंसेक्ट पे फीड करता है, तो इसकी जो कह सकते हैं कि जबड़े हैं वही इतने स्ट्रांग है कि दांत की कमी पूरी कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लैम्प्रे, ठीक है, हम लोग फिशेस की बात करें, ठीक है, फिर एम्फीबियन की। तो फिशेस के अंदर नॉर्मली टीथ नहीं होते, ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग मार्केट में फिशेस मिलती हैं इनमें टीथ नहीं होते, जिसमें रहू है, थैला है, ठीक है, कैतला, ये सारी हम लोग खाते हैं, तो इसमें टीथ नहीं होते। हाँ, कुछ मछलियाँ हैं जैसा कि लैम्प्रे, इसमें टीथ होते हैं काइटन के। शार्क है, अब शार्क का मैंने सिर्फ नाम लिखा है, इसमें जितनी टाइप की शार्क है वो सारी आ जाती हैं, हैमरहेड शार्क, बुल शार्क, वाइट शार्क, ठीक है जी, टाइगर शार्क, ये सारी शार्क्स आ जाती हैं, इनमें दांत होते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्केल होते हैं लेकिन मजबूत इतने के दांतों का काम करते हैं। और पिरानाज, ठीक है, पिराना मछली, इनमें दांत होते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इतने के अगर इंसान की उंगली इनके मुंह में डाली जाए तो वो उस हड्डी समेत तोड़ के बाहर ले जा सकते हैं ये पिराना, इतनी ज़्यादा इनके जो टीथ हैं वो स्ट्रांग होते हैं, बाइटिंग फोर्स इतनी ज़्यादा ताकतवर है इनमें। अच्छा, एम्फीबियन की बात करते हैं तो एम्फीबियन के अंदर भी टीथ नहीं होते, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर जिक्र नहीं किया, ना फ्रॉग, टॉड, सलामेंडर, इनमें टीथ नहीं होते।
रेप्टाइल्स में आते हैं तो रेप्टाइल्स में जो टीथ की अडेप्टेशन है वो तकरीबन सभी रेप्टाइल में एक जैसी है और कार्निवोर है, ठीक है, तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे। एक अडेप्टेशन जो डिफरेंट है वो स्नेक की है। जो स्नेक है इसके दांत पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, बैकवर्ड पॉइंटेड होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बैकवर्ड के होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े हैं। और ये अडेप्टेशन क्यों होती है, ये जब किसी शिकार को पकड़ ले तो उसे भागने से रोकने के लिए होता है, क्योंकि ये पकड़ते वक्त अंदर धंस जाते हैं। अब जो इनका प्रे वो भाग नहीं सकता, नंबर वन, और निगलने में, स्वॉल्विंग में इनकी मदद मिलती है जब ये दांत बैकवर्ड होते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो जो स्नेक होते हैं इनके ये अडेप्टेशन है। अच्छा, कार्निवोर की बात करें तो जितने भी जानवर हैं, अब रेप्टाइल्स, मैमल्स, हम इकट्ठे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इनके जो दांत होते हैं कार्निवोर के, वो चीजल लाइक टीयर और पॉइंटेड होते हैं, चीर फाड़ करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। इनके दांत हड्डियां तोड़ने, मांस को चीरने के लिए अडेप्टेड होते हैं, जिसके में आप लाइन देख सकते हैं, वुल्फ देख लें, ठीक है जी, ये सारे सारे कार्निवोर, क्रोकोडाइल देख लें, उसके दांत की बात कर लें, तो ये सारे के सारे पॉइंटेड होते हैं ताकि चीर फाड़ कर सके। जबकि हर्बीवोर मैमल जो होते हैं उनके दांत क्या होते हैं, वो मोटे, ज़्यादा सरफेस एरिया वाले होते हैं, ताकि ग्राइंडिंग कर सके जो चीज़, वो खासतौर पे प्लांट हैं, प्लांट मटेरियल को दांतों के ऊपर रख के उन्हें रगड़ सके, ठीक है, रगड़ सके, जिसे हम लोग ग्राइंडिंग कहते हैं, उस लिए अडेप्टेड होते हैं। और एक और कैटेगरी जो कार्निवोर हर्बीवोर के दरमियान में आती है, वो है ओमनीवोरस। जो ओमनीवोरस जानवर होते हैं, इनके दांत की अडेप्टेशन इन दोनों के इन बिटवीन होते हैं। इनके दांत नोकदार, पॉइंटेड भी होते हैं चीर फाड़ के लिए, और कार्निवोर की तरह, और हर्बीवोर की तरह इनके जो दांत होते हैं वो फ्लैटेंड भी होते हैं, जिसे हम मोलर कहते हैं, ताकि ग्राइंडिंग की जा सके, ठीक है। और एक बात के जानवर की फीड की हैबिट हमें तीन चीज़ों से पता चल सकती है। पहला, उसकी टीथ की शेप, नंबर वन, नंबर टू, उसकी इंटेस्टाइन, ठीक है, इन दोनों से। अगर चीजल लाइक है, पॉइंटेड दांत है, तो वो कार्निवोर है, और उसकी इंटेस्टाइन की जो लेंथ होगी वो थोड़ी होगी, कम होगी। हर्बीवोर है तो इसके दांत फ्लैटेंड होंगे, ठीक है जी, ग्राइंडिंग के लिए होंगे, और इसकी जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की काफ़ी ज़्यादा होगी। और जो ओमनीवोरस होगा, उसके दांतों की अडेप्टेशन तो हमने बता दी, इन दोनों के इन बिटवीन होगी, उसमें पॉइंटेड टीथ भी होंगे, ग्राइंडिंग टीथ भी होंगे, और उसकी जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो कार्निवोरस से ज़्यादा, लेकिन हर्बीवोरस से कम होगी, ठीक है। ये ओमनीवोरस की अडेप्टेशन है, जिसमें ह्यूमन, रकून, बियर, ये जानवर आ जाते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जी, इसका मतलब अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।